लोखंडवाला के फ्लैट से नौकर ने उड़ाया सोने से भरी तिजोरी, बिहार से हुई गिरफ्तारी। हीरे मोती सोने के गहने सहित बाइक जब्त। मुंबई की समता नगर पुलिस ने एक नौकर को बिहार से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से सोने, हीरे और मोती के नेकलेस सहित बाइक जब्त किया गया है। नौकर ने पहले मालकिन का भरोसा जीता, फिर मौका मिलते ही मालकिन के बेडरूम में लगे डिजिटल लॉकर में रखे सोने के गहने सहित लॉकर ही लेकर फरार हो गया। बिहार भागते समय आरोपी ने सोना बेचकर एक बाइक खरीदी। बाइक के साथ आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता शिखा सिनेश सिंघवी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स कांदीवली विस्प्रिंग फॉर्म में रहती है। आरोपी नौकर शिखा के घर में बतौर नौकर बनकर काफ़ी समय से काम कर रहा था, लेकिन कोरोना काल में नौकर गांव चला गया था। लेकिन कुछ दिन पहले वो नौकर फिर मालकिन का भरोसा जीतकर काम पर लग गया। कुछ दिन काम करने के बाद 6 सितंबर 2022 को जब मालकिन शिखा और उसका पति प्राइवेट जॉब के सिलसिले में बाहर गए थे, विजय तब अकेला था। विजय को यह पता था कि शिखा के बेडरूम में बेड में लगी एक डिजिटल तिजोरी रखी हुई है, जिसमें सोने, हीरे और मोती के गहने रखे हुए हैं। विजय को लॉक खोलने का नंबर नहीं मालूम था, इसलिए विजय ने घर में रखे स्क्रू ड्राइवर, गैस कटर से तिजोरी को बेड से अलग कर तिजोरी को साथ में लेकर रफू चक्कर हो गया। ट्रेन में सफर के दौरान कुछ सोना पटना के एक सोनार के पास भेज दिया। वहाँ से पैसे विजय ने होंडा सैंड बाइक खरीदी। वारदात की जानकारी शिखा ने तुरंत समता नगर पुलिस को दी। समता नगर सीनियर पीआई नरेंद्र शिंदे के मार्गदर्शन में पुलिस ने 2 टीमें बनाई और इसे बिहार फरबीसगंज जिला अरविया से गिरफ्तार किया। रिपोर्ट समय स्टल मुंबई। एक अगस्त महीने में एक चोरी हो गई थी और वो चोरी में वहाँ पे काम करने वाला एक जो सर्वेंट है तो उसके ऊपर शक था। ये जो चोरी है ये तकरीबन 20 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी जो है वो चुराई गई थी। इसमें समता नगर का डिटेक्शन स्टाफ जो है, डिटेक्शन ऑफिसर, डिटेक्शन स्टाफ ऑलमोस्ट 8-10 दिन बिहार गए थे और वहाँ से विजय कुमार बहारदार जो ये आरोपी है उसको ट्रेस किया और वहाँ से तकरीबन 9 लाख के ऊपर का जो मुद्देमाल है वो रिकवर करके लेके आए हैं। उसमें डायमंड के नेकलेस है और ज्वेलरी है और कैश है। ऐसे करके ये जो एक बड़ी चोरी थी उसको क्या है कि डिटेक्ट करने में कामयाब हुए। इस तरह का है क्या जो जिसमें पैसे वगैरह रखे थे, ज्वेलरी रखी थी, वो बॉक्स ही वो लेके गया था और यहाँ से वो अपने गांव जो एक नेपाल बॉर्डर पे उसका गांव है बिहार में, तो उसको वहाँ जाके ट्रेस किया और लेके आया।